महिलाओं में होने वाला सबसे आम कैंसर। अगर आप महिला हैं तो आपको इसका खतरा है। रूबी आलूवालिया, वरिष्ठ सरकारी अफसर, दो बच्चों की मां, 21 साल पहले शादी हुई, योगा और तैराकी का शौक, स्वस्थ और फुर्तीली। इनमें पकड़ा गया स्तन कैंसर स्टेज 3, 6 महीनों में ठीक। पद्मा किंगा, अविवाहित, ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर, खुशमिजाज, चुस्त इंसान। इनमें मिला स्तन कैंसर 35 की उम्र में स्टेज 3। आठ महीनों में ठीक हो गई। वैशाली, 26 वर्ष की, शॉपिंग मॉल में काम करती थी, मस्त मौला युवती। इनमें भी पकड़ा गया ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 3। कैंसर भेदभाव नहीं करता। हाल में एक स्टडी ने बताया कि हर 28 महिलाओं में एक को अपने जीवन काल में स्तन कैंसर होता है। एवरी वुमन हैज टू बी विजिलेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, लाइक एवरीवन हु ड्राइव्स ऑन द रोड हैज सम रिस्क ऑफ एन एक्सीडेंट। दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू ड्राइव, योर बिहेवियर एंड द कार एंड द रोड, द रिस्क मे बी हाई और मे बी low risk of having an accident. Similarly, there's always a risk of developing breast cancer. So, सबको ही, हर स्त्री को, हर औरत को breast cancer होने का थोड़ा सा risk है, किसी किसी को वो खतरा थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो क्या है खतरे के कारक? अगर आप महिला हैं, तो आपको खतरा है। वैसे पुरुषों में भी स्तन कैंसर हो सकता है। स्तन कैंसर का खतरा उम्र के साथ बढ़ता है। ज्यादातर मामले 40 से अधिक की उम्र में, सबसे ज्यादा खतरा 40 से 46। जिन महिलाओं का मासिक बहुत कम उम्र में शुरू होता है या जिनकी रजोवृत्ति बहुत देर से हो, उनमें भी स्तन कैंसर का खतरा ज्यादा। महिलाओं में पहली बार मां बनने की उम्र भी एक कारक। सही उम्र में पहला बच्चा स्तन कैंसर का खतरा कम करता है। रिसर्च बताती है कि बच्चों को अपना दूध पिलाने वाली महिलाओं में स्तन कैंसर कम होता है। जितने ज्यादा गर्भपात हो या जितनी बार बच्चा गिरे, उतना खतरा ज्यादा। शराब पीने से और ज्यादा चर्बी वाली खुराक से स्तन कैंसर का खतरा बढ़ता है। मोटापा भी स्तन कैंसर का एक कारक हो सकता है। मोटी महिलाओं में इसका प्रमाण ज्यादा। लेकिन सबसे बड़ा खतरा है उन्हें जिनके परिवार में कैंसर हो। So those women who are found to inherit a mutation or a change in this gene, जिन महिलाओं में कैंसर की जीन है, उनमें तो खतरा 70% तक हो सकता है। इन महिलाओं में स्तन कैंसर या ओवेरियन कैंसर, अंडाशय का कैंसर हो सकता है। इन महिलाओं पर गहन नजर जरूरी। इनमें जल्दी से जल्दी कैंसर पकड़ा जाना चाहिए, तभी उनका उपचार आसानी से संभव। भारत में हर वर्ष 1,15,000 से अधिक स्तन कैंसर के मामले सामने आते हैं। ये संख्या बढ़ रही है। जागरूक रहना और कैंसर को जल्दी पकड़ना जरूरी, ताकि उसे हराया जा सके, आसान उपचार हो। इट्स परसीव्ड टू बी अ थिंग दैट हैपेंस, आई मीन आर पॉपुलेशन टुडे लुक्स एट इट। लोगों का नजरिया है कि ये सिर्फ अधेड़ औरतों में होता है, ज्यादा उम्र वाली, अशिक्षित, पिछड़े वर्ग की महिलाओं में। सच तो ये है कि ये खूब पढ़े लिखे लोगों में भी होता है। कैंसर भेदभाव नहीं करता। कितनी महिलाएं आती हैं जो कहती हैं, डॉक्टर साहब हम शाकाहारी हैं, योगा करते हैं, सिगरेट बीड़ी नहीं पीते, शराब नहीं पीते, पहला बच्चा 23 में हुआ, फिर मुझे क्यों? हम बताते हैं कि खतरे के सिर्फ फैक्टर हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको खतरा नहीं, या ये कि जिनको खतरा है उन्हें कैंसर होगा ही होगा। कैंसर सचमुच भेदभाव नहीं करता, किसी को भी हो सकता है ये। इसलिए हर महिला को सजग रहना चाहिए, कैंसर को जल्दी से जल्दी पकड़ने के लिए सजग। हर महिला के हाथ में
कैंसर के प्रति सजगता ही उससे लड़ने का सबसे बड़ा हथियार।